जनता मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी पर प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी नई मंडी धनंजय कुशवाहा ने बताया कि आज थाना नई मंडी पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें फर्जी आरसी तैयारी कर चोरी के वाहनों को बेचने वाले चार आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उनसे 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की। गत दिनांक रात्रि को थाना नई मंडी प्रभारी योगेश शर्मा और एसआई संजय राज के नेतृत्व में गांधी चौकी प्रभारी धीरज सिंह, एसआई राजेश अवस्थी, एसआई अनिल सागर, एसओजी प्रभारी प्रवेश शर्मा और उनकी टीम को पुलिस मुठभेड़ के दौरान चार वाहन चोर आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये कल रात में थाना नई मंडी पुलिस पचिंदा रोड पर है पर अपराधियों से मुठभेड़ हुई, उसमें चार अपराधी पकड़े गए हैं और ये एक बाइक चोरी का गिरोह है जो मूलतः बुलेट को जो है लेता है और उसका नंबर और चेसिस नंबर ये सब मिटा के और नए तरीके से इसके खुदाई करके और उनके कागजात वगैरह इंतजाम करके इसको भिन्न भिन्न लोगों को बेचता है और इसमें से चार अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से विशाल वर्मा, पुष्पेंद्र और रिजवल मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान है वही आदमी है जो इसकी खुदाई करता था और ये एक अच्छा कार्य किया गया है और इसमें और भी छानबीन की जा रही है कि ये चोरी का गिरोह और कहां कहां से जो है। इसमें कुल 7 बुलेट बरामद हुई है और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और भी जानकारी की जा रही है। इसके आधार पे इससे जुड़े 2 लोग जो फरार हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये एक जो है भमेला तितावी के हैं और विशाल वर्मा ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और ये उज्जवल ये रामपुरी कोतवाली नगर के और मोहम्मद इरफान ये खालापार कोतवाली नगर के। इसके बारे में जानकारी की जा रही है इनके अगर बंदे इनके द्वारा जो अभी तक बताई गई थी उन सबकी बरामदगी हुई है ये और अब जो है इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत सूचनाएं हैं उसके आधार पे और भी कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह से और भी जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी करके कर रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए